हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। स्टैंडर्ड 11 के अंदर बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने ये नए सब्जेक्ट में स्टार्ट किया है बच्चों, जिसका नेम है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। जिसके अंदर बच्चों लेक्चर 3 में आज मैं आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की सफर को आगे ले जा रहा हूँ। इसके अंदर अलग अलग टर्मिनोलॉजी बच्चों अकाउंटिंग से रिलेटेड आज हम सीखने जा रहे हैं। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 11 कॉमर्स के अंदर। बच्चों, बहुत ही प्यारा नया सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट, जिसके अंदर बच्चों अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है बच्चों, जिसमें बेसिक कॉमर्स के अंदर बच्चों क्या क्या आता है, कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का मीनिंग। उसके बाद बच्चों सेकेंड लेक्चर में हमने अकाउंटिंग से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी, वॉक्यूबुलरी, डिक्शनरी से जुड़े वर्ड स्टार्ट किए बच्चों, जिससे आप कॉमर्स के अंदर अकाउंट सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ पाओ। आज बच्चों टर्मिनोलॉजी की सफर को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज आपको कुछ अनदर टर्मिनोलॉजी मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी वर्ड है बच्चों रिसिप्ट या इनकम। जनरली बच्चों रिसिप्ट वर्ड आपने कहाँ सुना है? सोचिए, आपने कोई कॉलेज की, स्कूल की फीस भरी तो कॉलेज वालों ने आपको फीस भरी उसकी रिसिप्ट लिख के दी, एक प्रकार का लेटर जिसमें लिख के दिया कि भाई ECS पेड फीस 5000 और रिसिप्ट आपको दे दी। आप स्टेशनरी में गए, आपने स्टेशनरी खरीदी, उसने बिल बना के दे दिया, इट्स अ वन टाइप ऑफ रिसिप्ट। तो आपने बच्चों रिसिप्ट वर्ड जहाँ कोई पेमेंट किया होगा तो सामने वाली पार्टी ने पेमेंट के बदले आपको एक प्रकार का रिसिप्ट दिया होगा। तो यहाँ बच्चों रिसिप्ट का वर्ड वो नहीं समझना है। अकाउंटेंसी के अंदर रिसिप्ट का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों इनकम। तो जब भी बिजनेस को बच्चों कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर कोई भी इनकम रिसीव्ड हो इन फॉर्म ऑफ मनी, यानी मनी रिसीव्ड हो ड्यू टू बिजनेस ट्रांजेक्शन कंसिक्वेंस, तो दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। तो अब बच्चों मैं आपको रिसिप्ट का मीनिंग समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। रिसिप्ट वर्ड का मीनिंग, व्हेन मनी रिसीव्ड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज रिसिप्ट या फिर इनकम। तो जब भी बच्चों बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में ड्यू टू कंसिक्वेंस, बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से बिजनेस को कोई भी मनी रिसीव हो बच्चों, तो उसे यहाँ रिसिप्ट या इनकम कहा जाता है। जैसे बच्चों आपने 5000 रुपये का गुड्स कैश में बेचा तो गुड्स गया, कैश रिसीव हुआ, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। ठीक है, कोई कमीशन या इंटरेस्ट रिसीव हुआ, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। तो रिसिप्ट का मीनिंग बच्चों सिंपल है, यहाँ आपको रिसिप्ट यानी किसी को पेमेंट करते समय जो रिसिप्ट मिलती है वो नहीं समझनी है बच्चों। अकाउंट की भाषा में व्हेन मनी रिसीव्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज रिसिप्ट, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। यस, अब रिसिप्ट के बच्चों दो टाइप्स है, दो प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों कैपिटल रिसिप्ट। जब भी बच्चों कैपिटल रिसिप्ट, उसमें कैपिटल वर्ड आता है, बच्चे समझते हैं ऑनर कैपिटल। आगे बच्चों टर्मिनोलॉजी में वर्ड आ चुका है कि जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आए, कैश, गुड्स, असेट्स, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो यहाँ बच्चों कैपिटल का मीनिंग अलग लेना है हमें। जब कैपिटल रिसिप्ट के साथ बच्चों जुड़ जाता है तो कैपिटल रिसिप्ट का वर्ड कैपिटल लाना नहीं होता है। कैपिटल रिसिप्ट का मीनिंग होता है बच्चों द इनकम रिसीव्ड इन बिजनेस ऑन अ इरेग्युलर बेसिस। क्या ऐसा कह सकते हैं? मनी रिसीव्ड ऑन अ इरेग्युलर बेसिस, नॉट रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस। तो रिसिप्ट विच आर नॉट रिसीव्ड, द रिसिप्ट विच आर नॉट रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस,
द रिसिप्ट विच आर नॉट रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस आर नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ऐसी बिजनेस की इनकम जो बच्चों में बार बार हर महीने हर साल ना मिल रही हो, रेगुलर बेसिस पे रिसीव ना हो, द रिसिप्ट या इनकम जो आपको रेगुलर बेसिस पे रिसीव ना हो बच्चों, उसे कहा जाता है कैपिटल रिसिप्ट। एग्जांपल ले बच्चों, सपोज आपके पास एक बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग आपने सोल्ड किया रुपीज 5 लाख में। तो यहाँ बच्चों आप हर महीने या हर साल बिल्डिंग नहीं बेचते हो, एक बार आपने बिल्डिंग बेची 5 लाख रुपए रिसीव हुए, तो दैट इज कॉल कैपिटल रिसीव। तो यहाँ आप हर महीने बिल्डिंग नहीं बेचते, आप बिजनेस करते हो गुड्स का, ट्रेडिंग का। इन दिस कंडीशन, इस प्रकार के एग्जाम्पल में बच्चों एक बार अमाउंट रिसीव होगी जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होगी बच्चों, तो उसे कहा जाता है रिसीव। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेना हो बच्चों, तो ऐसा कह सकते हैं लोन फ्रॉम बैंक। सपोज आपने बैंक के पास से 10 साल के लिए लोन ली हो, तो एक बार लोन ली बच्चों, तो वो हर महीने या हर साल आपको लोन नहीं मिलेगी। लोन की अमाउंट बड़ी होती है बच्चों, बैंक के पास से लोन लेना, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीव, विच इज नॉट अकर्ड और रिसीव्ड रेगुलर बेसिस। तो बच्चों इसके ऊपर से सेकेंड मीनिंग है वो एकदम आराम से आप समझ सकते हो, सेकेंड है रेवेन्यू रिसीव्ड। तो बच्चों इसके ऊपर से रेवेन्यू रिसीव्ड वर्ड समझना हो तो रेवेन्यू को भी सिंपल भाषा में बच्चों इनकम कहा जाता है। रेवेन्यू रिसीव्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो ऊपर जो मीनिंग लिखा बच्चों उससे उल्टा, द रिसीव्ड विच आर रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस इन बिजनेस is known as revenue received। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों, business के अंदर जो भी received या income regular basis पे हर महीने हर साल आपको receive होने वाली हो बच्चों, तो उसे कहा जाता है revenue received। इसका example है बच्चों, example में आप कह सकते हो commission received, interest received, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये सब बच्चों रेगुलर बेसिस की इनकम है। ओके, सेल ऑफ गुड्स। तो यहाँ बच्चों रेगुलर बेसिस पे हर महीने हर 15 दिन एवरी मंथ जो आपको रेगुलर बेसिस पर रिसीव हो उसे बोला जाता है रेवेन्यू रिसीव्ड। तो क्लियर हो रहा है बच्चों, रिसीव्ड यानी जब भी बिजनेस को मनी रिसीव्ड हो बच्चों, ड्यू टू कंसीक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से आपको रेगुलर बेसिस पे मनी रिसीव्ड हो बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से बच्चों, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। और ये रिसिप्ट के दो पार्ट है, कैपिटल रेवेन्यू। ऐसी रिसिप्ट बच्चों बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से रेगुलर बेसिस पे ना मिले, एक ही बार मिले, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। रेगुलर बेसिस पे एवरी मंथ एवरी ईयर मिले, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो एग्जाम्पल के साथ बच्चों यहाँ समझाया मैंने, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों इसका PDF इमेज रखा होगा, वहां से भी आप कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पोज कीजिए बच्चों और राइट साइड में जो रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट समझा उसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों अब रिसिप्ट के अंदर बच्चों कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट समझने के बाद सफर को आगे ले जा रहे बच्चों। अब मैं आपको पेमेंट टर्म समझाने जा रहा हूं। अब बच्चों अगर आपने रिसिप्ट में कैपिटल और रेवेन्यू समझा तो उससे रिवर्स वर्ब बच्चों आएगा पेमेंट में। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं पेमेंट्स का मीनिंग। यस बच्चों, मनी पेड, पेमेंट का मीनिंग समझते हैं बच्चों, मनी पेड ड्यू टू कंसीक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज पेमेंट। तो बच्चों मनी रिसीव करो ड्यू टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से बच्चों मनी रिसीव्ड हो तो उसे हम बोलते हैं रिसिप्ट इनकम। वैसे ही बच्चों ड्यू टू बिजनेस ट्रांजेक्शन मनी पेमेंट करो बच्चों तो उसे कहा जाता है पेमेंट, मनी पेड ड्यू टू कंसीक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब उसके अंदर दो वर्ड समझने हैं बच्चों। सबसे पहला वर्ड है कैपिटल एक्सपेंसेस या उसे कैपिटल पेमेंट कहा जाता है।
और सेकंड वन है बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंसेस या फिर पेमेंट। ठीक है बच्चों, अब दोनों वर्ड हम समझने जा रहे हैं। तो यहाँ भी बच्चों कैपिटल का मीनिंग आपको ऑनर कैपिटल नहीं समझना है। जैसे आगे मैंने आपको कैपिटल रिसीव समझाया, द रिसीव्ड और इनकम विच इज नॉट रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस दैट इज कॉल्ड कैपिटल इनकम। वैसे ही बच्चों कैपिटल एक्सपेंसिस, द एक्सपेंसिस पेड विच इज नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, ऐसा एक्सपेंसिस जो रेगुलर बेसिस पे पेमेंट ना हो बच्चों, वन टाइम हो या लॉन्ग पीरियड के लिए हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंसिस। When expenses paid not on regular basis, not on regular basis or paid for purchase of fixed assets is known as कैपिटल पेमेंट और एक्सपेंसेस। तो ऐसा एक्सपेंस बच्चों जिसका नेचर रेगुलर प्रकार का ना हो, हर महीने, दो महीने, पाँच महीने, छः महीने में, हर साल में आप एक्सपेंसेस पेमेंट ना करो बच्चों, रेगुलर बेसिस पे करना हो, इस प्रकार का कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेस करने का बच्चों पेमेंट हो, तो उसे कैपिटल एक्सपेंस कहा जाता है। एक्सपेंस समझते हैं बच्चों, एग्जाम्पल जैसे हमने बिल्डिंग परचेस करी बच्चों, मैंने बिल्डिंग टोटल 12 लाख रुपये में परचेस करी, या बैंक में से बच्चों 10 लाख रुपए की लोन ली। अब मैंने बिल्डिंग खरीदी बच्चों, क्या आप बार बार बिल्डिंग खरीदोगे? एक बार आपने बिल्डिंग खरीदी, इट विल रन फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। तो इस प्रकार का बच्चों कोई भी लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने का, बैंक लोन ली बच्चों, अब रोज रोज बैंक लोन लेते हो, नहीं 5 साल के लिए ली, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल नेचर। तो ऐसा खर्चा बच्चों जो बार बार ना हो, जिसमें मनी की लेन देन हो बच्चों, पर वो लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उसे कैपिटल एक्सपेंस या पेमेंट कहा जाता है। उसकी कंपैरिजन में बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंस समझना हो तो द एक्सपेंसेस पेड ऑन रेगुलर बेसिस, क्या कह सकते हैं बच्चों? ऐसा खर्चा द एक्सपेंसेस पेड ऑन रेगुलर बेसिस और फॉर पेमेंट ऑफ बिजनेस रूटीन एक्सपेंस is known as revenue expense। तो बच्चों जो expenses regular basis पे हर महीने, दो महीने, साल में आप payment करते हो बच्चों, जिसका nature regular basis का हो बच्चों, तो उसे बोला जाता है regular revenue expenses। example बच्चों आप हर महीने कर्मचारी को salary paid करते हो, rent paid करते हो बच्चों, फिर example में आप commission payment करते हो, फिर आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हो बच्चों, तो ये जो एक्सपेंस आप एवरी मंथ, एवरी ईयर बार बार पेमेंट करते हो बच्चों, तो उसे कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्लियर बच्चों? तो बिजनेस से रिलेटेड प्रकार का खर्चा हो तो इसे रेवेन्यू एक्सपेंस कहा जाता है। तो आई थिंक बच्चों पेमेंट की टर्म आपके माइंड में क्लियर हो चुकी है बच्चों। अमाउंट पेड करो, मनी पेड करो ड्यू टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, दैट इज कॉल्ड पेमेंट। उसमें बच्चों ऐसा पेमेंट कि जो बार बार ना होता हो, रेगुलर बेसिस पे ना हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल पेमेंट, या कोई असेट्स परचेज करने के लिए हो। रेवेन्यू रूटीन बार बार रेगुलर बेसिस पे जो भी पेमेंट होता है बच्चों एक्सपेंसेस होता है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर एक्सपेंस। सैलरी पेमेंट करना, इंटरेस्ट पेमेंट करना, कमीशन पेमेंट करना। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और ये जो पॉइंट है बोर्ड पे लिखा है उसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों बोर्ड रफ करके मैं आपको नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी समझाने जा रहा हूँ बच्चों, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑब्लिक गेन। तो बच्चों आप देख सकते हो अब हम समझने जा रहे हैं प्रॉफिट गेन, जिसके अंदर भी बच्चों दो वर्ड है, कैपिटल प्रॉफिट एंड आई थिंक रेवेन्यू प्रॉफिट। तो सबसे पहले बच्चों प्रॉफिट क्या होता है, तो ये वर्ड बच्चों कॉमर्स का हार्ट है। जब मैंने कॉमर्स का पहला लेक्चर बच्चों समझाया था, तब बिजनेस का मीनिंग समझाया था, द एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट फॉर मेकिंग प्रॉफिट इट्स कॉल्ड बिजनेस। तो प्रॉफिट के लिए जो एक्टिविटी होती है बच्चों, बिजनेस में प्रॉफिट कहाँ मिलता है, तो बिजनेस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस द्वारा क्या किया जाता है, ट्रेडिंग किया जाता है, बिजनेस में गुड्स परचेस किया जाता है, सेल किया जाता है। तो बिजनेस में जो भी ट्रेडिंग के अंदर बच्चों परचेज और सेल में से जो प्रॉफिट होता है, हाँ परचेज और सेल में जो गेन अराइज होता है, सरप्लस अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। सिंपल लैंग्वेज में समझना हो बच्चों, तो अगर बिजनेस के अंदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल बिजनेस के अंदर आपने सेल्स किया है बच्चों, जिसकी इनकम है आपके पास रुपीज
10 lakhs. कितनी इनकम है? टोटल इनकम सेल्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बिजनेस इज रुपीज 10 लाख. अब उसमें से बच्चों बिजनेस के टोटल एक्सपेंसेस या टोटल पेमेंट, बिजनेस के टोटल पेमेंट आपने किए बच्चों 8 लाख. तो अगर बिजनेस के ड्यूरिंग देयर जो भी इनकम हो बच्चों उसमें से एक्सपेंसेस या पेमेंट लेस करने के बाद इफ एनी सरप्लस लेफ्ट, कोई सरप्लस बचे बच्चों, तो उसे बोला जाता है प्रॉफिट या गेन. यहाँ प्रॉफिट या गेन आएगा बच्चों रुपीज 2 लाख. तो व्हेन इन बिजनेस टोटल इनकम ड्यूरिंग द ईयर इज मोर इन कंपैरिजन विद टोटल एक्सपेंस देन इफ एनी सरप्लस लेफ्ट दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. क्लियर हो रहा है बच्चों? या गेन. तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन में से, ट्रेडिंग में से रिसीव हुआ होना चाहिए. अब उसके अंदर बच्चों दो पॉइंट है. सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल प्रॉफिट और दूसरा पॉइंट है बच्चों रेवेन्यू प्रॉफिट. तो अब बच्चों जैसे आपने रिसिप्ट समझा, एक्सपेंडिचर समझा है, वैसे ही कैपिटल प्रॉफिट समझना है बच्चों. तो अगेन कैपिटल वर्ड है बच्चों, यानी इट इज नॉट रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस. द प्रॉफिट विच इज नॉट रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस और received from sale of any fixed assets is known as capital profit. तो ऐसा profit बच्चों जो business को रोज रोज receive ना हो रहा हो, या कोई long term building या assets business से generate हुआ हो बच्चों, जैसे building, land, machinery, furniture आपने बेचा, तो उसे कैपिटल प्रॉफिट बोला जाता है. क्योंकि बिल्डिंग बच्चों हम रोज बार बार नहीं बेचते, हम बिजनेस के अंदर गुड्स बेचते हैं. ठीक है? तो जैसे बच्चों एक बिल्डिंग है जो आपने परचेज करी थी 5 लाख रुपए में, और वो बिल्डिंग आपने सेल करी रुपीज 6 लाख में. अब परचेज कितने में किया था बच्चों? तो आपने बिल्डिंग परचेज किया था रुपीज 5 लाख में. तो यहाँ आप 6 लाख रुपए में से 5 लाख लेस करोगे तो रुपीज 1 लाख जो रिसीव होगा बच्चों दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट, जो एक बार ही रिसीव होगा, बार बार हमें रिसीव नहीं होगा. तो बच्चों जैसे आप देख सकते हो कैपिटल रिसीव रेवेन्यू रिसीव था, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसे एकदम आसानी से बच्चों आपको मैंने समझा दिया है कैपिटल प्रॉफिट. बच्चों आपके माइंड में कई बार ये सारे वर्ड मिक्स हो जाते होंगे, तो जस्ट आपको यहाँ ओवरव्यू और मीनिंग समझने की कोशिश करनी है. जरा भी टेंशन नहीं लेना है, ये सारी टर्मिनोलॉजी कॉमर्स के अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स में आपको बार बार आएगी, वैसे आपको मेमोराइज होता जाएगा. ठीक है? अब सेकंड वर्ड है बच्चों रेवेन्यू प्रॉफिट. अब रेवेन्यू प्रॉफिट का मीनिंग बच्चों इसके ऊपर से कह सकते हैं, द प्रॉफिट विच इज रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस, द प्रॉफिट विच इज रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस is known as revenue profit. This is very important. Regular basis पे जो profit मिले बच्चों वस्तु बेच के, that is called revenue profit. उसके बाद एक बार साल में या 5-7 साल में एक बार receive हो बच्चों, उसे बोला जाता है capital profit. तो revenue profit के अंदर बच्चों आप क्या कह सकते हो, business से related goods. Suppose business का goods आपने बेचा ये महीने में, टोटल 10,000 रुपये इनकम रिसीव हुई, उसको टोटल खरीदा था आपने 8,000 में, तो 10,000 रुपये गुड्स की सेलिंग प्राइस में, उसमें से 8,000 रुपये आपने एक्सपेंसेस माइनस किया, तो 2,000 रुपये जो रिसीव हुआ दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट. क्योंकि गुड्स आप बार बार बेचोगे, ट्रेडिंग में यूज करते हो, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट. अब बच्चों वीडियो पोज करके आपको इतना लिखना हो तो लिख लो, मैं रफ करके बच्चों नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपको समझाने जा रहा हूँ. डियर स्टूडेंट्स, अब देख सकते हो मैंने बोर्ड रफ करके बच्चों आगे की टर्मिनोलॉजी लिखी है. अब बच्चों जैसे प्रॉफिट एंड गेन है, वैसे ही अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ लॉस या फिर डेफिसिट. अब बच्चों लॉस या डेफिसिट किसे बोलते हैं? तो जैसे ही बच्चों बिजनेस के अंदर ड्यूरिंग दर मैंने प्रॉफिट समझाया, बिजनेस जो भी ट्रेडिंग के दरमियान बच्चों जो भी अर्निंग करता है, इनकम अर्न करता है, उसमें से एक्सपेंसिस माइनस करने के बाद जो भी सरप्लस रिसीव हो उसे बोलते हैं प्रॉफिट. वैसे ही बच्चों अगर बिजनेस के अंदर टोटल बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस है या पेमेंट है ड्यूरिंग देयर, अगर वो एक्सेस हो जाए इनकम की कंपैरिजन में, देन सरप्लस रिसीव्ड इज कॉल्ड लॉस और डेफिसिट. जैसे बच्चों बिजनेस के अंदर ड्यूरिंग द ईयर
सपोज हमने टोटल इनकम सेल से जनरेट की है बच्चों ₹8 लाख और ड्यूरिंग द ईयर इसमें से बच्चों आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए टोटल एक्सपेंसेस या फिर पेमेंट जो बिजनेस के हो चुके हैं बच्चों सपोज 9 लाख तो यहाँ देख सकते हो बच्चों हियर टोटल एक्सपेंसेस इज मोर इन कंपैरिजन विद टोटल इनकम देन सरप्लस रिसीव्ड -1 लाख दैट इज कॉल्ड लॉस। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो जब कई बार कोई सर्कमस्टेंस में बिजनेस का लॉस ज्यादा हो बच्चों एक्सपेंसेस ज्यादा हो इनकम कम हो तो उसे लॉस या दूसरी भाषा में डेफिसिट कहा जाता है। अब उसके अंदर सबसे पहला वर्ड है बच्चों कैपिटल लॉस और दूसरा वर्ड है बच्चों रेवेन्यू लॉस। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों द लॉस विच इज नॉट रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस शॉर्ट में बच्चों यह मीनिंग लिख रहा हूं मैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। द लॉस विच इज रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस तो बच्चों ऐसा कह सकते हैं जो रेगुलर बेसिस पे लॉस हो उसे रेवेन्यू लॉस बोलते हैं जो रेगुलर बेसिस पे ना हो इरेगुलर हो उसे कैपिटल लॉस कहा जाता है। जैसे कि बच्चों एग्जांपल देते हैं जो कोई मैंने बिल्डिंग बेची तो बिल्डिंग का लॉस हो बच्चों या फर्नीचर का लॉस हो सपोज आपने बिल्डिंग 1 लाख रुपए के नुकसान से बेची बच्चों फर्नीचर 50,000 के लॉस से बेचा रोज रोज करोगे फर्नीचर बच्चों 5-7 साल में एक ही बार बेचा था बिल्डिंग एक ही बार बेच दी खत्म हो गया तो इस प्रकार के लॉस को कैपिटल लॉस बोला जाता है। रेवेन्यू लॉस बच्चों बिजनेस के अंदर रेगुलर बेस पे होता है बिजनेस में जो भी गुड्स परचेस करते हो एक्सपेंसेस करते हो उसके कंपैरिजन में इनकम या सेल्स कम हो जाए बच्चों तो बिजनेस को होता है रेवेन्यू लॉस। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों तीनों टर्मिनोलॉजी प्रॉफिट के रिवर्स में आपको याद रखना है। अब बच्चों उसके बाद हम लेने जा रहे हैं अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड परचेज। तो इसको बच्चों मैं रफ कर देता हूं। चलो अब बच्चों ये हो गया अब हम लेने जा रहे हैं परचेज। अब बच्चों परचेज क्या होता है वो समझ लो बच्चों एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज बच्चों आपकी मोबाइल की शॉप है ध्यान से देखना परचेज का एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आपने 100 मोबाइल बिजनेस के लिए परचेस किए मोबाइल स्टोर है कितने मोबाइल 100 मोबाइल परचेस्ड। अगर बिजनेस के लिए आपने 100 मोबाइल परचेस किए ₹5 लाख में या कम अमाउंट लेते हैं बच्चों ₹2 लाख में तो दैट इज कॉल्ड परचेस। अ बिजनेसमैन परचेस गुड्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस अ बिजनेसमैन परचेज द गुड्स और सर्विस विच आर यूज फॉर ट्रेडिंग दिस टाइप ऑफ गुड्स और सर्विस परचेज बाय बिजनेस इज नोन एज परचेज। तो बच्चों ये 100 मोबाइल मैंने खरीदे हैं मोबाइल खरीदने का मेरा टारगेट है बच्चों बिजनेस में मोबाइल बेचना प्रॉफिट अर्न करना तो दैट इज कॉल्ड गुड्स परचेज तो ये मेरे लिए परचेज है। पर सपोज बच्चों मुझे मेरे घर से लेके यहाँ मोबाइल की शॉप तक आने के लिए मैंने एक एक्टिवा परचेस किया बच्चों अब वो एक्टिवा मुझे घर से यहाँ दुकान में आने में मदद करता है तो दैट इज नॉट कॉल्ड परचेस दैट इज नॉट कॉल्ड गुड्स। बिजनेस के ट्रेडिंग में जो भी गुड्स यूज होता है अ गुड्स परचेस्ड बाय बिजनेस फॉर यूज ऑफ ट्रेडिंग यस दैट इज कॉल्ड परचेस। पर बच्चों मैंने एक्टिवा खरीदा तो वो मेरे लिए क्या हुआ प्रॉपर्टी तो ये मेरे लिए गुड्स परचेज है बच्चों। पर कोई मैंने एक्टिवा खरीदा बच्चों अवर जवर के लिए हेर फेर के लिए तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी या असेट्स ठीक है। तो बिजनेस के अंदर बच्चों खास ध्यान रखना है जिसका आप ट्रेडिंग करते हो वो गुड्स अगर आप खरीदते हो तो उसे परचेज की डेफिनेशन में रखा जाता है। उसके बाद है बच्चों परचेज रिटर्न। सिंपल लैंग्वेज में बच्चों देख के आपको पता चल रहा है जब कोई ट्रेडर से या सप्लायर से मर्चेंट से आप गुड्स खरीदते हो बच्चों वो गुड्स कोई कारण सर इन्फीरियर क्वालिटी का हो या डिफेक्टिव हो इन दिस कंडीशन जो भी डिफेक्टिव गुड्स होगा वो हम रिटर्न करेंगे तो उसे कहा जाता है परचेज रिटर्न। सपोज बच्चों 100 मोबाइल में से 20 मोबाइल के अंदर डिफेक्ट आई वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो 20 मोबाइल अगर आप रिटर्न करते हो तो दैट इज कॉल परचेज रिटर्न
टू सप्लायर ड्यू टू डिफेक्टिव आइटम और इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स, ऐसा कहता है खराब क्वालिटी का गुड्स बच्चों आप रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद का वर्ड है बच्चों, उसके जैसा ही वर्ड है, दैट इज कॉल्ड सेल। सेम टाइप का वर्ड है बच्चों, मैं देख लेता हूँ कोई टर्मिनोलॉजी रह नहीं जाती है ना। यस, अब यहाँ बच्चों बिजनेस सेल्स गुड्स और सर्विस विच आर यूज फॉर ट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड सेल। गुड्स और सर्विस सेल बाय बिजनेस विच आर यूज्ड फॉर ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के पर्पज से बच्चों अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस को सेल किया हो तो उसे सेल्स कहा जाता है। जैसे बच्चों मैं यहां एग्जांपल दूं, मैंने 5 मोबाइल कस्टमर को ₹80,000 में सेल्स किए। तो अगर बच्चों मैं 5 मोबाइल ₹80,000 में स्टार्टिंग के सेल करता हूं तो दैट इज कॉल्ड सेल्स फॉर बिजनेस। क्योंकि मैं मोबाइल क्यों लाया था बच्चों, ट्रेडिंग के पर्पज से, मेरी मोबाइल की शॉप है। पर बच्चों मैंने जो एक्टिवा बिजनेस के लिए खरीदा था, अब वो मैं एक्टिवा सेल करूं बच्चों, तो एक्टिवा सेल्स करूं मैं ₹50,000 में, तो इट इज नॉट अ सेल्स। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रेडिंग वाला गुड्स नहीं है, तो उसको बच्चों मैं सेल में नहीं लिख सकता। ये खास ध्यान आपको रखना है। तो आप देख सकते हो बच्चों, परचेज, परचेज रिटर्न। उसके बाद बच्चों सेम आपको मैं समझाने जा रहा हूँ सेल्स रिटर्न वर्ड। सपोज बच्चों ग्राहक कस्टमर को आपने गुड्स बेचा, ड्यू टू एनी इन्फीरियर क्वालिटी और डिफेक्टिव गुड्स अगर कस्टमर रिटर्न करे बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। सपोज 5 मोबाइल 80,000 में बेचे, उसमें से 2 मोबाइल कस्टमर रिटर्न करता है बच्चों, तो बेचा हुआ माल रिटर्न आए उसे कहा जाता है सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर। तो आप देख सकते हो बच्चों, मैं पूरी जान लगा रहा हूँ आपको एक एक डेफिनेशन समझाने की। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है बच्चों। अगर राइटिंग में कोई भी दिक्कत हो तो नीचे मैं PDF कॉपी रखूंगा बच्चों, जिसे आप डाउनलोड करके नोट डाउन कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब बाकी बचे हुए मैं 5 टर्मिनोलॉजी आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों। अब मेरे सामने नेक्स्ट वर्ड स्टॉक ऑफ गुड्स। नहीं बोलते बच्चों, कई बार आप खरीदने जाते हो, अभी सीजन स्टार्ट हो रहा, कितना स्टॉक बचा है आपको बच्चों? तो स्टॉक का मीनिंग एकदम सिंपल है बच्चों, बिजनेसमैन परचेज द गुड्स। बिजनेसमैन जो भी परचेज करता है बच्चों गुड्स का, आफ्टर दैट सम गुड्स आर सोल्ड आउट, उसमें से कुछ गुड्स बेच देता है, और जो बचा हुआ गुड्स होता है बच्चों उसे कहा जाता है स्टॉक। सपोज बच्चों बिजनेसमैन ने 100 मोबाइल परचेज किए, मोबाइल कितने खरीदे, मोबाइल परचेज किए हैं बच्चों 100 मोबाइल, उसमें से बच्चों कस्टमर को सेल कर दिया है 80 मोबाइल। तो इन दिस कंडीशन जो बच्चों 20 बचा हुआ मोबाइल है बिजनेस में अनसोल्ड, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। तो ऐसा कह सकते हैं बिजनेसमैन परचेज गुड्स फॉर ट्रेडिंग, गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड, साल के अंत में बच्चों अनसोल्ड है, उसे स्टॉक या गुड्स कहा जाता है। तो बच्चों बिजनेस में आपने मोबाइल खरीदे, सोचो 80 मोबाइल बेच दिया, बचे हुए 20 मोबाइल है बच्चों, तो साल के अंत में इस प्रकार का जो स्टॉक बचा है बच्चों उसमें भी 2 पार्ट है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। तो एट द एंड ऑफ ईयर जो भी स्टॉक बचा है बच्चों, जैसे ये स्टॉक है साल के अंत में बचा है 20 मोबाइल, तो दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। पर बच्चों इस प्रकार का क्लोजिंग स्टॉक जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में भी सेम 20 मोबाइल पड़े हो, तो बिगिनिंग में एट द स्टार्ट ऑफ ईयर जो भी स्टॉक पड़ा है बच्चों दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। क्लियर बच्चों? आपने जो भी गुड्स परचेस किया है, मोबाइल खरीदे, मैं एग्जांपल के साथ, उसमें से आपने 80 बेच दिए, बचे 20 साल के अंत में, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक ऑफ गुड्स। पर वही स्टॉक बच्चों जब नेक्स्ट ईयर आप स्टार्ट करो उसमें भी 20 स्टार्टिंग में दिखा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। फर्स्ट ईयर में जो क्लोजिंग में होता है नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग में आ जाता है। इसको बच्चों और डीप में आप लोग जैसे चैप्टर पढ़ोगे स्टॉक से रिलेटेड कैलकुलेशन आएगा तब समझोगे। आगे जाते हैं बच्चों कॉस्ट। तो जनरली बच्चों कॉस्ट वर्ड आपके लिए नया है। जैसे अब ये पेन है बच्चों, मार्कर पेन हम खरीदने जा रहे हैं, उसकी MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस है यहाँ ₹25। तो ये बच्चों कंपनी ₹25 में बेचती है, तो सोचिए कंपनी बनाती कैसे होगी। तो बच्चों जनरली क्या होता है, जब भी कोई आइटम बिजनेस यूनिट प्रोड्यूस करता है तो वो प्रोडक्शन के खर्च का टोटल करता है।
जिसे कहा जाता है कॉस्ट, और वो कॉस्ट के अंदर फिर बिजनेस का ऑनर कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करता है, गवर्नमेंट का टैक्सेस ऐड होता है, देन यू रिसीव सेलिंग प्राइस। तो ये एमआरपी है बच्चों, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस डिसाइड करने से पहले वस्तु की कॉस्ट फाइंड करनी जरूरी है। तो कॉस्ट का डेफिनेशन समझना हो बच्चों तो ऐसा कह सकते हैं, टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आइटम, कोई भी आइटम को प्रोड्यूस करने का जो टोटल खर्चा होता है बच्चों उसे कॉस्ट कहा जाता है। यानी कॉस्ट के अंदर बच्चों ऐसा कह सकते हैं प्रॉफिट और टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, मात्र उसको बनाने का खर्चा, जैसे रॉ मटेरियल कितना यूज़ा, वर्कर को सैलरी कितना दिया, जगह का रेंट और सब बाकी सेलिंग के खर्चे कितने हुए। ठीक है, सपोज मैं बताऊँ बच्चों ये मार्कर पेन है, सपोज मैंने प्रोड्यूस की, इसकी कॉस्ट आई बच्चों ₹15। ठीक है, कॉस्ट कितनी आई बच्चों ₹15। फिर मैंने सपोज बच्चों इसके ऊपर प्रॉफिट ऐड किया ₹5 और गवर्नमेंट ने टैक्स ऐड किया बच्चों ₹5। तो इस प्रकार से बच्चों पेन की एमआरपी सेलिंग प्राइस ₹25 डिसाइड होती है, और यहाँ जो बच्चों आपको ₹15 दिख रहा है टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आइटम, इट इज नोन एज कॉस्ट। और उसके बाद बच्चों लास्ट वर्ड मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वाउचर। वाउचर को सिंपल लाइन में बोला जाता है बच्चों, एविडेंस और प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो भी बच्चों बिजनेस में कामकाज होता है वो कामकाज का एविडेंस या प्रूफ, रिटर्न डॉक्यूमेंट ऐसा कह सकते हैं, एविडेंस और प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एक प्रकार का बच्चों रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर, तो बिजनेस के अंदर बच्चों जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जो बिजनेस के एविडेंस है, प्रूफ है, उसे बोला जाता है वाउचर। जैसे बच्चों आप बैंक में एक एग्जांपल दो, बैंक में अगर आप पैसे डिपॉजिट करवा दो तो कैशियर क्या करता है, जो आपने स्लिप भरी है उसमें से आधी स्लिप फाड़ के आपको प्रूफ के तौर पे देगी। अब डीमार्ट में जाते हो बच्चों, क्या किया आपने, ₹5,000 का माल खरीदा, तो आप क्या करते हो, तुरंत वो आपको बिल देता है, क्यों, इट इज कॉल्ड एविडेंस। ये गुड्स आपने खरीदा उसका एविडेंस क्या है, जैसे आपने मोबाइल खरीदा, देखना बच्चों मोबाइल का बिल आपको व्यापारी देगा, क्यों, इट इज कॉल्ड एविडेंस प्रूफ। तो इस प्रकार के जो भी बच्चों बिल, वाउचर, रिसिप्ट या इनवॉइस ऐसा कह सकते हैं बच्चों, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, जिसके आधार पे बच्चों बिजनेस में अकाउंट लिखा जाता है, तो वाउचर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल बच्चों आपको याद रखना, एक प्रकार का एविडेंस, कोई भी वस्तु खरीदते हो आप, एसी खरीदते हो बिल देते हैं कि नहीं, क्यों, इट इज कॉल्ड प्रूफ, व्यापारी उसके ऊपर से बच्चों उसका मर्चेंट अकाउंटिंग करता है। तो ये बच्चों हो गई आपकी आउटस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी। अब बच्चों ये टर्मिनोलॉजी यहाँ हम स्टॉप करते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजी भी बाकी है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों सफर में और आगे बढ़ाऊंगा। तब तक बच्चों 2 या 3 बार लेक्चर्स को देख के जितना मेमोराइज हो टर्मिनोलॉजी को करिए बच्चों। ये सारे टर्मिनोलॉजी बच्चों जब आप प्रैक्टिकल चैप्टर्स में पढ़ेगे तो ज़्यादा समझ आएगा, अभी जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करना है। यहाँ तक रखते हैं बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.